अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज होप यू ऑल आर ऑल वेल। आज हम फिज़िक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे जी। हमने वर्नियर कैलिपर तक पढ़ लिया है, आज हम स्क्रू गेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा स्क्रू जी, तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज मैंने जो है वो बुक जो है ये बुक है, आपकी बुक का पेज है, ठीक है। ये नोट्स नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं बुक से पढ़ा दूँगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक नहीं है जिसको नोट्स की ज़रूरत हो, क्योंकि इसमें से जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आती हैं वो तो हम इसमें से भी कर ही लेंगे, तो इसका कोई इतना लेंथी नहीं है, तो ये हम बुक में से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका बुक का पेज है, पेज नंबर 13, आप इसको खोलें और साथ साथ उसको जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपने वो कर लेना। अगर आपको आता है कि स्क्रू गेज होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ अ स्क्रू गेज, मैं आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। प्लीज़ डू राइट ऑन योर बुक, आप अपनी किताब के ऊपर नोट्स बनाएं, उनको लिखें, जैसे मैं लिखती हूँ उसके ऊपर, आप भी अपनी जो बुक है उसके ऊपर लिखा करें, ठीक है। हर आपकी तो बच्चों की किताबें भरी होती हैं, हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होता है। हर पैराग्राफ की हेडिंग अगर मैं बता रही हूँ तो लिखें उसके ऊपर, ताकि जब आप याद करने लगें पेपर वाले दिन तो आपके सामने हो वो हेडिंग्स, और आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है और आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या है। तो प्लीज़ अपने पैराग्राफ के ऊपर, अपनी हर एक लाइन के ऊपर अगर कोई हेडिंग बन रही है, अगर मैं बता रही हूँ तो उसको लिखें, ठीक है। तो आज भी मैं जितना आपको बताऊँगी, अगर मैं शॉर्ट बता रही हूँ तो उसको आप यहाँ लिखें शॉर्ट, ये बताया गया है, क्योंकि वो आ सकता है शॉर्ट, ठीक है। इस तरह आपको याद, यही तरीका होता है याद करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। और इसके अलावा दूसरी बात कि आप अपने इस ये बुक आपको दी गई है, आप उसके ऊपर लिखें, ये जगह जहाँ मर्जी लिखें, आप भर दें अपनी किताब को लिख लिख के। जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं अपना रजिस्टर के ऊपर हर एक ये लिखने की टॉपिक को हेडिंग के साथ, वो गलती है, ठीक है। आप अपनी बुक के ऊपर लिखिए, बुक से याद करें, आपका इतना हाई लेवल नहीं है कि आपको एज सच रजिस्टर भरने पड़ेंगे, आप अपनी बुक को यूज़ करें। 9-10 का लेवल बुक वाला लेवल होता है, उनको वो किताब में से ही ये पेपर आता है, उसी में से MCQs आएंगे, वही लाइन होगी। अगर आपने समझा हुआ है फिजिक्स में, अगर MCQs कोई समझने वाले आते हैं वो समझा हुआ है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप किताब को यूज़ करें, हेडिंग अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगी, तो आपने वहाँ से देख लेनी। हाँ, कुछ ऐसी डेरिवेशंस आगे अगले चैप्टर्स के अंदर आएंगी जो कि बुक के अंदर छोटी लिखी हुई है, मैं आपको वो लंबी करवाऊंगी, तो वो आप रजिस्टर पे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप किताबें से ही याद करें, उसी के ऊपर हेडिंग लिखें। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ क्वेश्चन मेन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ स्क्रू गेज, ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्या है अ स्क्रू गेज? इज एन इंस्ट्रूमेंट डैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। पीछे हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर से जितनी छोटी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा अब छोटी चीज़ें अगर मेजर करने के लिए आ जाएँ तो वो आप स्क्रू गेज से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, और ये क्या मेजर करता है? ये लेंथ को मेजर करता है, सही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अगर आपका इसका MCQs आ जाता है तो आपने ये जो है वो लिखना है, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास आता है जी, यहाँ पे अब आपकी हेडिंग बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। इस वाली जगह से आपने हेडिंग देना शुरू करनी है। क्या हेडिंग है यहाँ पे? ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ से अब आपने हेडिंग देनी है कंस्ट्रक्शन की, ये अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे हैं, ठीक है। आज क्या है कंस्ट्रक्शन? अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड, ठीक है। ये चीज़ें नहीं लिखनी आपने। अ होलो सिलेंडर हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस। द होलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट, इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टर्ड। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट, एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 mm अलोंग द इंडेक्स लाइन। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 mm, दिस डिस्टेंस कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल, सही है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ है?
कंस्ट्रक्शन से पहले वहाँ चलने से पहले हम जो है वो अपना स्क्रूगोज देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रूगोज नज़र आ रहा है तो आप देखें ये वाली जो आपको यू शेप नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं मेटल फ्रेम। ठीक है, यहाँ से हम अमूमन इसको पकड़ भी लेते हैं, ये मेटल फ्रेम होती है। ठीक हो गया, और इसके अंदर दो चीज़ें निकली होती हैं, एक स्मॉल वाली का नाम है स्टर्ड और लंबी वाली का नाम है स्पिंडल। ठीक है, स्टर्ड और स्पिंडल, जैसे बहन भाई हैं या आप समझ रहे, स्टर्ड और स्पिंडल बहन भाई हैं, इनके दरमियान कोई भी चीज़ है, जैसे कि अब मैं कोई पतली चीज़ लेते हैं तो हम मैं जैसे वायर ले लेती हूँ। ठीक है, एक वायर मैंने ली, उसकी लेंथ उसका डायमीटर मेजर करना है, तो क्या है वो, एक मिनट, ये मैंने वायर ले ली। अब ये जो वायर है वो कैसे आएगी, अब ये हम ये स्पिंडल और स्टर्ड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे जब तक, और वायर के दरमियान हम रख देंगे और उनको लॉक कर देंगे तो वो वायर उनके अंदर रह जाएगी। तो स्टर्ड और स्पिंडल हेल्प करते हैं किसी भी थिंग को अपने जो है वो एक प्लेस के अंदर रखने के लिए जिसको हमने मैयर करना है। ये हो गया, ये आपका ये इतना हिस्सा हो गया। नेक्स्ट आपके स्केल्स आ जाते हैं। ठीक है, स्केल्स कितने आपके पास, इसमें दो स्केल हैं, एक कहते हैं मेन स्केल और एक को कहते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है दिस इज़ अ सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये इस तरह मूव करती है पूरा, अगर आप इसको यहाँ से, इसको रैचेट कहते हैं, रैचेट इज़ यूज टू मूव द सर्कुलर स्केल। ठीक है, अगर आप इसको या थिम्बल से भी मूव कर सकती हैं वैसे तो, इनमें से मूव करेंगे तो सर्कुलर ये पूरा मूव करेगा। ठीक है, ये पूरा राउंड रहेगा, इसलिए इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। जबकि नीचे वाला जो स्केल है मेन स्केल वो फिक्स है। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन, जिसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हर चीज़ आ जाती है। अब एक नई चीज़ है जो कि आपके स्क्रूगोज के अंदर नहीं थी, वो है पिच। ठीक है, तो इसीलिए आपके अब यहाँ पे हेडिंग आ जाती है पिच की। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, व्हाट इज़ द पिच। ठीक है, ये आपकी आई है पिच की डेफिनेशन यहाँ से एज द थिम्बल्स। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि एज द थिम्बल कंप्लीट्स, हाँ जी, एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 mm अलोंग द इंडेक्स लाइन। कह रहे हैं जैसे ही हम पूरा थिम्बल को घुमाएंगे, ठीक है, एक टक की आवाज आएगी, उससे ज़्यादा थिम्बल नहीं घूम सकेगा, जब हम घुमाएंगे तो ये पूरा सर्कल स्केल घूमेगा, और जब वो घूमेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1 mm मिलीमीटर का डिस्टेंस करता है। और ये 1 mm क्या है, ये दो रीडिंग्स के दरमियान का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, और इसी को ही स्क्रू गॉज की पिच भी कहती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, हमने वर्ड टू वर्ड ऐसे ही इसको लिख देना। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हम नीचे चलते हैं। द थिम्बल हैज 100 डिविजन्स अराउंड इट्स वन एंड। थिम्बल मतलब कि सर्कुलर स्केल की 100 डिविजन्स होती हैं। जब थिम्बल कंप्लीट करता है एक राउंड तो वो 100 डिविजन्स 1 mm पास करती हैं डिस्टेंस जो कि हम पा रहे हैं, और 1 mm डिस्टेंस मेन स्केल पे होता है। हर जो सर्कुलर स्केल है इंडेक्स की कितना डिस्टेंस मेजर करती है वो हम इसी से पता लगा लेंगे कि दो के दरमियान अगर 1 का डिस्टेंस है और टोटल 100 हैं तो आप उसको जो है वो डिवाइड कर दें 100 और 1 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हर डिवीजन सर्कुलर स्केल की जो क्रॉस कर रही है ईच डिवीजन के बारे में आ जाएगा, जो कि है 0.01 mm, और इसी को ही इसकी लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट का कंसेप्ट मैं सारा डिटेल में वर्नियर कैलिपर में मैं दे आई हूँ। इसमें लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसमें हेडिंग में लीस्ट काउंट की बनेगी पिच ऑफ द स्क्रू गॉज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच आपकी थी 1 mm और सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स हैं, तो निकाल के हमारे पास 0.01 mm, या इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 cm। तो ये इसकी है, ये अक्सर MCQs आता ही आता है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग, जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है, और उसकी टाइप्स मैं सारा डिटेल में बताई हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगी इसमें, सिर्फ हम बात करेंगे कि जीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, अब इधर देखें, ये जीरो ने इसके जीरो के साथ, सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं किया, वो मिला नहीं, मतलब इसमें जीरो एरर है। नाउ वी वांट टू सी कि इसमें कौन सा जीरो एरर है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के पीछे होगा, ठीक है, ये जैसे इंडेक्स लाइन का जीरो है और इसका जीरो कहाँ पे है, इसके पीछे नीचे है, तो तब ये पॉजिटिव जीरो एरर देगा। जबकि अगर आप नीचे वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पे इस अगर जीरो, इस सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो के ऊपर होगा, अबव होगा,
तो ये नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ज़ीरो करेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अच्छा जी, इन दिस केस मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास। अब इससे ज़्यादा आपने इसके डिटेल के जी, इससे ज़्यादा अब आपने डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल वर्क है। नेक्स्ट है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिंपल वन जो है वो ये आपको नज़र आ रही है, जो ग्रोसरी शॉप्स के अंदर और आम आपको नज़र आती है, इसको जिसे तोलते हैं, ठीक है, तराजू जिसको कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है बीम बैलेंस, ठीक है, आपने इसका नाम याद रखना। व्हाट इज मीन बाय इट, अ बीम बैलेंस, ये एक बीम बैलेंस है। डिफरेंट बैलेंसेस इसी तरह के यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला है फिजिकल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट दोनों हैं। फिज़िकल बैलेंस जो है अब ज़्यादातर आपको जिस तरह गोल्ड की शॉप्स के अंदर मिलेगा ये, ठीक है, ये लेबॉरटरी के अंदर होता है, ठीक है। इसके दो पैन्स होते हैं, ये देखिए, ये एक ये वाला पैन है और एक ये वाला पैन है। एक चीज़ यहाँ पे रखते हैं और एक यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ये स्केल है, ठीक है, जैसे कि आप ये रखेंगे तो ये जो ये पॉइंटर आ रहा है ये इस स्केल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा उसका कितना बैलेंस है, ठीक है। ये उसके इसी के बारे में लिखा हुआ है कि ये किस तरह है, इसके कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई हुई है, ये आपने याद करना है, ठीक है। ये डिफरेंट आपको इसमें से नज़र आएंगे कि हुक्स होते हैं, स्टाइरअप होता है, स्टाइरअप मतलब जो हुक ने, ये जो आपको ब्लू डार्क ब्लू नज़र आ रही है ये बीम है, ठीक है। अब देखें इधर आप यहाँ से उठाते हैं ना तराजू को, लेकिन इसको उठाना नहीं पड़ेगा, तो इस इन दोनों पैंस को किसने उठाया हुआ, इस बीम ने उठाया हुआ, इसको बीम कहते हैं। और ये उसका सेंटर पोर्शन जो होता है वो फलक्रम होता है सारा, और ये नौ हुक्स होती हैं जिन्होंने इसको इसके साथ बीम के साथ जोड़ा हुआ है, और इस टायरअप्स होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट वाला जो पैन होगा उधर हम जो है वो वाला मास रखेंगे जिसको हमने मेजर करना है, और राइट वाले के अंदर अब आप जो है वो वाला रखेंगे जिसको जो आपको नॉन है, जिस तरह अगर आपने देखा हो जैसे सब्ज़ी ले रहे हैं, सब्ज़ी वो इधर रखेंगे और जो दो तोला और तीन तोले के जो होते हैं मास वो यहाँ पर रखते हैं, सही है, तो इस तरह आपको पता चलेगा। इसके अलावा नॉब्स भी हैं यहाँ पे जिसको आप लूज़ कर सकते हैं ताकि लंबा छोटा भी कर सकते हैं, उसको अरेस्टमेंट नॉब्स कहते हैं। और एक स्क्रू है जिसको लेवलिंग स्क्रू कहते हैं, जो कि इसको लेवल को मेंटेन करता है। ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा हो गया, ये आपने ये बस चीज़ें इसकी याद रखनी है, बैलेंसिंग स्क्रूज, टायरअप जो कि इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बीम के साथ हुक को, बस ये इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस क्या है, ये एक लीवर, ये भी अक्सर हमने देखा हुआ है, ये ग्रोसरी शॉप्स के अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर अब क्या होता है, कोई उठाने वाला बीम तो नहीं होता, लेकिन क्या है, बस एक स्केल होता है, ठीक है, और ये पॉइंटर अंदर छोटा सा लगा होता है, ये मूव करता तो हमें पता चल जाता है, सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अच्छा, सोनार या फिर सोने वालों के पास आपको ये भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अब बड़ी मार्केट्स, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स खास तौर पे, जिस तरह हाइपर स्टार वगैरह के अंदर आपको ये मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो हैं वो डिफरेंट रेंजेस के अंदर अब आ जाते हैं। ये जो अगर आपको नज़र आ रहा हो इसके ऊपर रीडिंग है, इसके यूनिट्स हैं, कोई मिलीग्राम के हैं, कोई किलोग्राम के हैं, कोई ग्राम के हैं, जिस तरह आपका सोना किलोग्राम ग्राम में भी आता है, तोले में भी आता है, तो उसके लिहाज से आपका बैलेंस जो है वो बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। पहले इसका इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है कि जब आपने ये पैन के ऊपर कोई चीज जैसे मेजर करनी है, वो रखने से पहले आपने उसको स्विच ऑन करना है, फिर आपने रीडिंग को बटन को प्रेस करके जीरो पे लेके आना है, फिर आपने कोई चीज इसके ऊपर रखनी है और फिर आपने देखना है कि क्या वेट आया उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी हम यूज करते हैं। अब अगर आपको डिफरेंट अपना बैलेंसेस, इन तीनों बैलेंस को मेजर किया हुआ है, कौन कौन से को, ये जो हमने बीम बैलेंस पढ़ा था इसको, फिजिकल बैलेंस को, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को आप कंपेयर कर रहे हैं और ये देखने लगे हैं कि मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले बीम बैलेंस को देखते हैं। कहते हैं हम एक क्वाइन को लेते हैं, क्वाइन एक सिक्के को लेते हैं और बीम बैलेंस पर रख देते हैं, वो उसका मास बताता है 3.2 ग्राम तक, ठीक है, बस इतना ही वो बता सकता है। इससे पता चलता है कि बीम बैलेंस की जो ये इसकी लीस्ट काउंट है, याद रखें, लिख लें आपके, ये इसकी क्या है, लीस्ट काउंट, कि ये इतना स्मॉलेस्ट बस पार्टिकल मेजर कर सकते हैं, 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक बस।
जबकि फिजिकल वही क्वाइन अगर हमने फिजिकल बैलेंस में रख के देखा तो उसने 3.24 ग्राम बताया, मतलब ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट बता सकता है, और ये 0.01 ग्राम या 10 mg तक बता सकता है, ये इसकी लीस्ट काउंट है। इसकी जो मेजरमेंट आई है वो इससे ज़्यादा प्रिसाइज या सेंसिटिव आई, प्रिसाइज मतलब ज़्यादा एक्यूरेट आई है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में भी हमने वही क्वाइन जा के रख दिया और उसने हमें 3.247 ग्राम तक बताया, मतलब इन दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट जो है, प्रिसाइज जो है इसने बताया, और इसकी लीस्ट काउंट ये होती है, ये भी आप रखना। तो अब आपको पता चल गया कि मोर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है और मोर प्रिसाइज भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है वो क्या है, ये भी एक मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अब ये मास को मयर नहीं करती, इसलिए अगर आपको मास मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें आपने स्टॉप वॉच नहीं लिखना, उसमें आपने सिर्फ बैलेंसेस को जिक्र का जिक्र करना है। स्टॉप वॉच आपके टाइम को मयर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। स्टॉप वॉच जो है वो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टॉप वॉच इज यूज टू मयर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, ठीक है, किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को मयर करने के लिए यूज़ होती है। ज़्यादा अगर आपने लैब्स में कभी आप जाएँ तो आपको ये देखने को भी मिलेगी, अगर आपने रेसिस में देखा हो तो उन्होंने छोटी सी मशीन हाथ में पकड़ी होती है, वो मशीन असल में स्टॉप वॉच होती है जिसको प्रेस करते हैं और टाइम नोट करते हैं फिर वो, ठीक है। अब स्टॉप वॉच की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। आपको ये लॉन्ग आ सकता है कि व्हाट इज स्टॉप वॉच, राइट डाउन इट्स टाइप्स, ठीक है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमारे कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं लेकिन 0.1 सेकेंड तक मिनिमम, ठीक है, ये इसकी लीस्ट काउंट है, सही है, ये भी लिख लें, ये इसकी लिस्ट काउंट है। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो लैब्स वगैरह में डिजिटल यूज़ होती है जो कि 0.01 सेकेंड तक देख सकती है, या इस तरह, ये इसकी लिस्ट काउंट है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो ये डिजिटल वाली मैकेनिकल से ज़्यादा प्रिसाइज या एक्यूरेट है। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं इन दोनों की, ठीक है, उसके अंदर ये हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच भी लॉन्ग आ सकते हैं, इसी के नेंगे कंस्ट्रक्शन में है। अगर आप देखें मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करें, अगर ये आप देखें, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इसकी ये जो आपको गोल सी चीज़ नज़र आ रही है इसकी नोब है, ठीक है, ये क्या है, इसकी नोब। तो ये लिखा हुआ है मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नोब डैट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग डैट पावर्स दी वॉच, इट कैन ऑल्सो बी यूज द स्टार्ट। आप इस नोब को ऊपर को खींचेंगे तो ये स्टार्ट भी हो जाएगा, स्टॉप भी हो जाएगा, पॉज भी हो जाएगा, मतलब इसको आप तीन रीसेट भी कर सकते हैं, नोब ही से हर काम करना है। जब आप एक दफ़ा उसको दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, जब आप दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, अगर आप थर्ड टाइम दबाएंगे तो वो दोबारा जीरो पर नीडल चली जाएगी। ये मैकेनिकल वॉच है, जबकि डिजिटल वॉच कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इसके कुछ डिफरेंट बटन्स होती हैं, स्टार्ट और स्टॉप का एक अलहदा ये बटन है, ठीक है, रीसेट का अलहदा होता है, इनको दुबाने से वो आ जाती हैं और रीसेट से दोबारा जीरो पे चली जाती है। नेक्स्ट है मयरिंग सिलेंडर। मयरिंग सिलेंडर भी मास मयरिंग में ही आ जाता है, इसकी वॉल्यूम को मयर करता है, ठीक है, वाटर या लिक्विड्स को, जैसे दूध वगैरह हैं, दूध वालों ने जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं दूध को मयर करने के लिए, वो मयरिंग सिलेंडर्स हैं, ठीक है, ये ग्लास के या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के सिलेंडर्स होते हैं इस तरीके से, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना नीचे, ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो हमें कोई भी लिक्विड या कोई पाउडर सब्सटेंस है उसको मेयर करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हर मेयरिंग सिलेंडर की डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं और इसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है वो मिली लीटर के अंदर होता है, ठीक है, वॉल्यूम मिली लीटर के अंदर होता है, तो मेयरिंग सिलेंडर्स के ऊपर भी रेटिंग मिली लीटर में होती हैं और वो ज़्यादातर 100 से 2500 ml तक आती हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे आपको पानी है, ठीक है, ये भी इधर भी पानी, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट और करेक्ट पोजीशन, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। हमेशा जब आप ने देखना है कि कितना इसका आया है, ठीक है, जैसे ये वाटर आपने डाला हुआ है, ये पर्सन अब देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका देखने का तरीका गलत है, वो इंस्ट्रूमेंट तो ये पड़ा हुआ है और वो ऊपर से उसको देख रहा है, उसको मैच कर रहा है कि वाटर का लेवल किस रीडिंग से मैच कर रहा है, इस ये तरीका गलत है। अगर आप इसी लेवल पे आके, ओह सॉरी, हाँ जी, अगर आप इसी लेवल पे आके उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस रीडिंग से कोइंसाइड करिए, जो कि ये वाला पर्सन ठीक कर रहा है, ये उसी वाटर के लेवल को देख रहा है कि किस रीडिंग से मैच कर रही है और उसी के लेवल पे आके देख रहा है, तो ये करेक्ट पोजीशन है देखने की, ठीक है, ये करेक्ट पोजीशन है, जबकि ये वाली रॉन्ग पोजीशन है।
अच्छा, इसके अलावा मेयरिंग सिलेंडर इरेगुलर सब्सटेंस की वॉल्यूम मेयर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कोई स्टोन, पत्थर वगैरह, ठीक है, ये पत्थर है। अब उसको कैसे मेयर करेंगे? अब आप उसको इसमें डालें खाली तो आपको नहीं पता चलेगा। अब आप क्या करेंगे, पहले पानी डालेंगे, ठीक है, पानी डाल के पहले पानी का लेवल मेयर कर लेंगे। जैसे स्पोर्ट्स करें 100 ml आया, अब आप क्या करेंगे, जिस इरेगुलर सब्सटेंस का मेयर करना है उसको भी उसमें फिर डाल देंगे। अब आप देखेंगे डालने के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, पहले 100 था, फर्ज करना 120 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 120 और 100 को आप 100 और 120 को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पहले सादे खाली वाटर का लेवल 100 था और स्टोन डालने के बाद 120 हुआ है। तो क्या हुआ है कि उनको जब हम 120 को आप माइनस करेंगे 100 से, 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 20। तो आपको पता चलेगा ये जो 20 ml आया है ये इरेगुलर, जो आपने स्टोन डाला था उसका वॉल्यूम है। इस तरीके से माइनिंग सिलेंडर किसी इरेगुलर चीज़ का भी वॉल्यूम निकालने के लिए मदद देता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इसलिए मैंने आपको बताया। और इस मेथड को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, ये नाम भी याद रखना। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख लें। ये इरेगुलर वाला भी देखा हुआ है, ये वी आई और वी एफ क्या है, वी आई वो वाला वॉल्यूम था जब हमने खाली वाटर डाल के देखा था जो कि 100 था, और वी एफ वो है जब हमने कोई इरेगुलर सब्सटेंस डाल दिया और वो भर गया लेवल वाटर का जो कि 120 आया था। अब आप वी एफ और वी आई को माइनस करेंगे तो आपके पास इरेगुलर चीज़ का आ जाएगा। तो ये वाला शॉर्ट जो है वो आता होता है, तो आपने इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंट, अच्छा ये है वी एफ और वी आई को माइनस करना, ये इरेगुलर शेप का फिर मैं वॉल्यूम दे देगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमारे पास, हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये आप रिव्यू आपकी जो पीछे होती है समरी, समरी में से मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जी एक मिनट, मैं टेक्स्ट बॉक्स खोल लेती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। जी All the accurately non-digits and first doubtful digit in an expression, इसको कहते हैं significant figures। सही है, significant figures की definition क्या आ गई हमारे पास कि ऑल दी नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज नॉन अ सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी फिगर है, जैसे कोई भी नंबर है 2, 3, 8, इसके अंदर जितनी आपको अब कंफर्म हो चुका है, डेफिनेशन मैंने लिखी थी, आपने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो अब अरेज हो गई है क्योंकि मैंने मूव करनी है तो इसलिए वो अरेज हो गई है। आप इसको पीछे जाके अपने रिव्यू में से भी देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ कहाँ पे है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपके पास एक रीडिंग है, जैसे कि ये हमने वर्नियर कैलिपर से किसी की मेयर की लेंथ या स्केल से मेयर कर ली मैंने, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरी एक शर्ट है, मैंने उसकी लेंथ देखी 18.4 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या कन्फर्म है कि क्या एक्यूरेट, जो आपको पता है कि ये तो लेंथ पक्की है ना, ठीक है, वो है 18, 1 और 8। आपको ये पता चल गया कि 18 कन्फर्म है, आगे 0.4 का कन्फर्म नहीं है कि वो लाइन आपको सही देखी है गई है कि नहीं गई, कि वो 4 वाली थी या 4 से आगे भी, जैसे 4, 2, 8 तो नहीं है कहीं पे, ठीक है, 4, 3, 8 तो नहीं है, वो अब आप तो नहीं आप मेयर कर सकते ना अपनी लेंथ को इंच स्टेप से, ठीक है, या स्केल से मैं तो नहीं मेयर कर सकती वो इतने एक्यूरेट, मतलब आपको कन्फर्म है 1 और 8, पॉइंट के बाद वाली चीज़ कन्फर्म नहीं है। यही वो कह रहा है कि जो आपको कंफर्म होते हैं डिजिट्स वो, और जो पहला अनडाउटफुल है, मेरे जो मुझे इसमें पहला अनडाउटफुल 4 ही है, तो 4 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जो आपको बाकी डाउटफुल है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ये आपने याद रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं। द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय नंबर फॉलोवर सेम एवरी। अच्छा, यहाँ पे अब आपको कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है, ये हमने शॉर्ट के लिए तीनों याद कर लेने के, क्वालिटी की अच्छी होनी चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए ऑब्जर्वर की, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लें उस पर भी डिपेंड करता है, इन तीनों चीज़ों पे एक्यूरेसी के कितना एक्यूरेट आंसर है उस पर ये चीज़ें तीनों डिपेंड करती हैं। ऊपर ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है,
जो याद करना है वो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। नेक्स्ट जो अगर आप चलेंगे तो यहाँ से ना एक एग्जाम्पल लंबी सी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो जो है वो मैं समझा देती हूँ, लेकिन वो याद नहीं करनी है आपने, ठीक है। जैसे वो कह रहा है, एक स्टूडेंट ने ना अपनी बुक की लेंथ मयर की मयरिंग टेप से 18 सेंटीमीटर, मयरिंग टेप ने तो इतना ही बताना था। अब क्या है, जो वन और एट में से वन वाला उसको कन्फर्म डिजिट है और एट वाला डाउटफुल डिजिट हो गया उसके लिए, ठीक है। उसको श्योर नहीं है कि क्या वो 8 ही था या 18 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो इस टाइम डाउटफुल क्या हो गया, 8 डाउटफुल हो गया। फिर उसने क्या किया, अब उसने रूलर दूसरे वाला ले लिया, तो उसने देखा कि अब आई है मेजरमेंट 18.4, मतलब वन और एट कन्फर्म हो गए और फोर वाला अब डाउटफुल बन गया। अब उसने क्या किया, अब उसने मज़ीद किसी और इंस्ट्रूमेंट से देखा जो ज़्यादा एक्यूरेट था। अब उसका आंसर है 18.425, मतलब अब क्या क्या कन्फर्म हो गया इसको, 18.4 कन्फर्म हो गया और 25 जो है वो इसके क्या बन गए, डाउटफुल डिजिट्स बन गए। तो इसमें जो 18 और 4 ये सारे जो हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट हैं, और 25 जो बाद वाले डाउटफुल हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट थे, ठीक है। तो यहाँ ये सिर्फ एग्जांपल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझाने वाली, ये आपने नहीं याद करनी। जो इंपॉर्टेंट थिंग याद करने के लिए वो अब चीज़ आई है, वो है रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कि कैसे आपने पता लगवाना है कि कोई चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, एक किसी भी रीडिंग के अंदर आपको दी गई है उसमें जितने नॉन ज़ीरो हैं, मतलब जो ज़ीरो नहीं है, वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इसको आप इस तरह समझें, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 27 ये नॉन ज़ीरो, ये सारे जो है वो सिग्निफिकेंट। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 एंड 2, इसके अंदर कितने हैं, 3, ठीक है। फिर वो कहते हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मान अगर ज़ीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इधर देखें 27 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर ज़ीरो आ गया तो ये भी क्या होगा, अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब अगला रूल पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। कह रहे हैं कि पॉइंट के राइट साइड पे अगर कोई भी ज़ीरो आ जाता है, ये पॉइंट था, इसके राइट साइड पे कोई भी ज़ीरो आ जाती है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो मतलब ये सिग्निफिकेंट हो गए और ये तो पहले सिग्निफिकेंट थे क्योंकि नॉन ज़ीरो है, पहला रूल है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इस फिगर के। नेक्स्ट रूल क्या है, जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। आप कह रहे हैं कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो जीरो होगा, ठीक है, वो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, जो कि स्पेसिंग के लिए, मतलब जो वक्फा के लिए यूज होता है। जैसे कि आप इधर देखें तो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ये और ये दोनों ही जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पॉइंट का लेफ्ट वाला तो उसने पहले ही कह दिया कि नॉन सिग्निफिकेंट है, और बाकी 0 और 3 रह गया, उसमें से पहला रूल कहता है जो नॉन ज़ीरो है वो आपने कहना है कि सिग्निफिकेंट है, और जो ज़ीरो आ जाएगा उसको नहीं कहना। तो 3 वाला सिर्फ इसमें सिग्निफिकेंट है, जबकि इसमें भी 2 और 7 दो सिग्निफिकेंट हैं और ये दोनों ही जो है वो ज़ीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट वाला और ये जो ज़ीरो ये वाला आया, ये इसलिए नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इन दोनों के साथ एक ज़ीरो वैल्यू आ गई है, इसके बारे में कोई रूल नहीं है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है। लास्ट रूल कहता है इन होल नंबर दैट एंड इन वन और मोर ज़ीरो विदाउट उस के लिए दे रही है कि वो ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो में एंड होगा और पॉइंट भी नहीं होगा एंड पे, तो क्या वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे ये है, इसमें आपको पता चल गया था कि ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है और 0, 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अभी जो एंड वाला 0 है, अगर पॉइंट के राइट साइड पे होता है ना तो फिर हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है, लेकिन इस टाइम इसमें पॉइंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि आप उसको 0 कह भी सकते हैं तो नहीं भी कह सकते हैं। तो अमूमन अब आप देखेंगे वो कह देते हैं, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसमें अच्छा वो कह रहे हैं कि ये वाले 0 को निकालने के लिए आप साइंटिफिक नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, इसमें से क्या है सिग्निफिकेंट बताएं। अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी, ये भी, ये भी, और ये 4 इसके अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले इसमें अगर आप देखें तो
ये तीन जीरो तो बिल्कुल भी नहीं, लेफ्ट साइड वाले जीरो नहीं होते, फिर फाइव है, एट है, और ज़ीरो वाला भी हम कह देते हैं कि है, वो आपकी मर्जी है कहना, लेकिन मैंने अभी आप मैंने भी आपको बताया कि उसका ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम सिग्निफिकेंट भी बना लेते हैं, तो इसके भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी इधर टू और वन सिग्निफिकेंट है, और जो पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, तो और ये दो सिग्निफिकेंट के दरमियान ज़ीरो आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ये इसके भी चारों जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। ये मान सब ट्रेंड हो गया। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की लिखी हुई है कि किस तरह आप राउंड ऑफ करते हैं, आपको तरीका पता है कि अगर पॉइंट के बाद जैसे इसे थ्री डिजिट्स हैं, ठीक है, अगर आपने राउंड ऑफ करना है, इसको छोटा बनाना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड वाला अगर फाइव या फाइव से भरा है तो उसको हटा देंगे और उसके साथ वाला जो है वो वन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह इधर तो थ्री है ना, तो थ्री को अगर आप हटा भी देंगे तो फोर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे ये बन जाएगा, लेकिन अगर अब ये फोर को भी हटा देंगे तो नाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ फोर की जगह सिक्स होता तो ये नाइन इंक्रीज होकर टेन बन जाता, मतलब ये टू बन जाता सारा, ठीक है। जिस तरह ये 1.47 सेवन फाइव से भरा तो सेवन जब जाएगा तो फोर जो है वो फाइव बन जाएगा, एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये समझिए आपकी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं, चलें इसको देखते हैं ज़रा जाके। ये सारे एमसीक्यूज बहुत आसान है, ठीक है, इसमें जो मुश्किल है वो मैं देख लेती हूँ। ये मोल होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला, एन इंटरवल ऑफ 200, माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू आपको बताओ, ठीक है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10^-6, ठीक है, जब हम वो लगाएंगे ये बन जाएगा 10^-6, ठीक है। अब ये 200 था, इसके भी दो जीरो हैं, अभी हम हटा देंगे, ठीक है, तो इसमें से दो काम बचेगा, तो यहाँ जरा देगा हमारा ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज में बतानी है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रो, नैनो, तो नैनो जो है वो उसकी वैल्यू होती है 10^-9, ठीक है, माइनस में कोई चीज़ जितनी बड़ी हो असल में वो छोटी होती है, तो सबसे छोटी जो है वो ये वाली जो है वैल्यू है डी वाली। इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर को, ठीक है। ये कितना बताता है, आपने इसकी लिस्ट काउंट देखनी है वर्नियर कैलिपर की, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर जो है अप टू पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट हो वहाँ तक बता सकता है, मतलब ये वाली इसकी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाली। अब एयरिंग सिलेंडर वॉल्यूम फाइंड करता है, बता दिया मैंने, अच्छा ये है वैसे तो ये स्क्रू गोज का है, ठीक है, और कह रहे हैं मेन स्केल की उसने देखा थ्री डिवीजन थी और सर्कुलर की एट डिवीजन थी, अब बताएं आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 3.08 mm, क्योंकि हमने इसकी लीस्ट काउंट भी डालनी है, और डाल के ये वाला आंसर बनेगा इसका, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इज एन एक्सप्रेशन, अच्छा ये आपको पता, सिग्निफिकेंट फिगर ऑल एक्यूरेटली नॉन एंड द फर्स्ट डाउटफुल, ये वाली, ये इसकी जो है वो ये वाली जो है वो इसका आंसर है। सी वाला नेक्स्ट है, अगर आपने इसके एम सी क्यूज लेने हैं तो ये यहाँ पे इसके आंसर्स भी हैं, ठीक है, ये आंसर की यहाँ से याद इसकी पिक ले लें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं,
डिफरेंस है ठीक है, इसमें बेस बतानी है, इसमें बताना है कि स्पीड एक डिराइव है, इसमें बेस कौन कौन सी हैं ठीक है, एज बतानी है सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो यह बताया हुआ स्पीड के अंदर मीटर और सेकंड आते हैं, वॉल्यूम में मीटर आते हैं। अच्छा एज वाला क्वेश्चन ये है, जितना आपका ईयर्स है, जैसे मैं अगर आप जैसे आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप जैसे 14 ईयर्स के हैं तो आपने अपना 14 ईयर्स लिख देना, फिर एक साल में दिन कितने होते हैं वो, फिर एक दिन में घंटे, एक घंटे में मिनट और सेकंड्स टोटल, एक घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं वो, तो आपकी सेकंड्स में एज आ जाएगी, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट है कि साइंस के डेवलपमेंट में यूनिट ने क्या रोल प्ले किया, ये आपकी बुक में भी है। वर्नियर कॉन्स्टेंट क्या होता है बता दिया हुआ मैंने। जीरो एरर क्या होता है, क्यों एरर ज़रूरी है, ताकि हम करेक्ट मेजरमेंट्स ले सकें, स्टॉप वॉच और लीस्ट काउंट्स। अच्छा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम क्यों मेजर करते हैं, ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकें। इनकी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है तो ये क्वेश्चन थे आपके। आगे हाउ डिसीजन इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, ये इसका आंसर है प्रिसीजन। ठीक है कि प्रिसीजन होता है कितना एक्यूरेट और कितना एग्री कर रहे हैं ठीक है, जो मेजरमेंट आपने निकाली कितनी ठीक समझी जा रही है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन का रिलेशन है, हमने यहाँ से या ये लिखते हैं तो इसकी ये लिख लें, आप नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स ठीक है, 10 है हमारे पास, प्रीफिक्सेस निकालने हैं। न्यूमेरिकल्स का आंसर तो यहाँ पर हम आपने याद करना है इसको अच्छे तरीके से ठीक है, ग्यारह चैप्टर हो गया था, एडवाइस करें ठीक है, सारा एडवाइस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अगली वीडियो इसके जल्द आएगी। अल्लाह हाफिज़।